Hello everyone, welcome to our new video. Today we are going to talk about plant hormones. What are hormones? Hormones are chemical messengers that individually or cooperatively direct the development of individual cell or carry information between cells and thus coordinate growth and development. For any development in plant, there is requirement of communication. Communication is very important for each and every process that is occurring inside the plant. तो हॉर्मोन्स यहाँ पे क्या हुए, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सेल्स और सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्लांट अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को शो करता है. 1905 में एक ब्रिटिशियन फिजिशियन ई एच स्टार्लिंग ने सबसे पहले हॉर्मोन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था इन केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए. What are the general characteristics that are required for a hormone? Hormones are chemical in nature. They are not nutrients, they are chemical, either protein, carbohydrate, etc. Plant need hormone at very specific times during plant growth and at specific locations. जिस भी टाइम पे प्लांट को किसी एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फिनोमिना को शो करना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्मोन है वही वहां पे आपको देखने को मिलेगा और वो हार्मोन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही वर्कआउट करते हैं. द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन विद इन प्लांट टिश्यूज इज ऑफन डिफ्यूज नॉट ऑलवेज लोकलाइज्ड. मीन्स प्लांट एक जगह पे सिंथेसाइज करते हैं हॉर्मोन्स को और दूसरी जगह पे जहां पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो होना है वहां तक डिफ्यूज करते हैं. हॉर्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन लो कंसेंट्रेशन. जो कंसेंट्रेशन है हॉर्मोन्स की वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है लेकिन वो बड़े बड़े फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के लिए रिक्वायर्ड होती है. मेन प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड अब्सिसिक एसिड. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सिन. ऑक्सिन इंक्लूड ऑल दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड कोलियोप्टाइल सेक्शंस. व्हाट आर कोलियोप्टाइल? कोलियोप्टाइल क्या है? जब यंगेस्ट लीव्स जो निकलती हैं वो एक शीथ की कवरिंग में प्रोटेक्टेड रहती है और उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कोलियोप्टाइल के नाम से जानते हैं. तो जब भी स्टेम की ग्रोथ के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हैं उनको हम ऑक्सिन के नाम से जानते हैं. ऑक्सिन जो है वो पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था और ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टू ग्रो और टू इंक्रीज. Now let's talk about discovery of ऑक्सिन. डार्विन ने 1880 में काम किया था कैनरी ग्रास पे. तो उन्होंने देखा कि उस कैनरी ग्रास के जो यंग सीडलिंग हैं, जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड की तरफ वो बेंड कर जाते हैं. तब उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को वहां से रिमूव कर दिया तो क्या रिजल्ट आया कि वहां पे कोई भी बेंडिंग उनको देखने को नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को एक कैप से कवर कर दिया और फिर एज ए रिजल्ट उनको कोई भी बेंडिंग वहां पे देखने को नहीं मिली. तो उन्होंने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया कि इस टिप के अंदर कुछ ऐसा बनता है जो डिफ्यूज होके यहां तक जाता है जो ग्रोइंग रीजन है और यहां पे वो अपनी ग्रोथ को शो करता है. उन्होंने अपने इन रिजल्ट को पब्लिश किया द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट जर्नल में. देन बोयसन एंड जेंसन इन 1913 उन्होंने इस कोलियोप्टाइल टिप पे जो कि एवेना ओट्स की टिप थी मीका सीट को इंसर्ट कर दिया टिप और रेस्ट ऑफ द एरिया के बीच में. तो यहां पे उनको कोई भी कवरिंग या बेंडिंग देखने को नहीं मिली.
फिर उन्होंने जिधर की साइड से लाइट आ रही थी उधर उस मीका सीट को इंसर्ट कर दिया, तो उनको वहां पे कर्वेचर देखने को मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को रिमूव कर दिया और बीच में एक जेलेटिन का बॉक्स रख दिया। एज ए रिजल्ट जो कर्वेचर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इस जेलेटिन बॉक्स के थ्रू ये जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है डिफ्यूज कर जाता है, जबकि मीका सीट के थ्रू ये डिफ्यूज नहीं कर पाता। देन पॉल इन 1919 उन्होंने कोलियोप्टाइल की टिप को रिमूव कर दिया और उसको थोड़ा सा साइड में डिस्प्लेस कर दिया। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बावजूद यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिली। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस है ये नेचर में केमिकल है जो कि डिफ्यूज करता है। इन 1926 बेंट उन्होंने कोलियोप्टाइल की कुछ टिप ली और उनको जेलेटिन के ऊपर रखा। कुछ टाइम के बाद उन्होंने इन कोलियोप्टाइल की टिप को रिजेक्ट कर दिया और इस जेलेटिन के बॉक्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट कर दिया और इन ब्लॉक्स को उन्होंने रखा जो बचा हुआ कोलियोप्टाइल का पोर्शन था। तो उस जगह पे जब इन्होंने इन बॉक्सेस को रखा तो वहां पे इनको यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिली। यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है ये इस जेलेटिन के अंदर आया और यहां से जो हमारा कोलियोप्टाइल का बचा हुआ पोर्शन था उसमें डिफ्यूज कर गया और उसकी बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसको उन्होंने नाम दिया एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, जिसको आज भी ऑक्सीजन के बायोएसे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव टू टाइप ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन जो है वो हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन हमें प्लांट में देखने को नहीं मिलते। ये हम बाहर तैयार करते हैं इन लैबोरेटरीज में। जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है। उसके अलावा 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 बिटायरिक एसिड, ये चारों नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन के अंदर नेथिलीन एसिटिक एसिड, 2 मिथोक्सी 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड आते हैं। जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है ये दो फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, फ्री ऑक्सीजन एंड बाउंड ऑक्सीजन। तो जो बाउंड ऑक्सीजन है वो रिक्वायरमेंट के टाइम पे आफ्टर हाइड्रोलिसिस ही रिलीज किए जाते हैं। Now, let's take a look on biosynthesis of auxin. यहाँ पे जो पाथवे हम देख रहे हैं ये सब ट्रिप्टोफान डिपेंडेंट पाथवेज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रिकर्सर है auxin का, दैट इज ट्रिप्टोफान। फर्स्ट पाथवे हम देख रहे हैं जिसको हम जानते हैं IPM पाथवे के नाम से। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज इंडोल 3 पायरविक एसिड और ये ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान है सबसे पहले डीअमीनेशन रिएक्शन के अंदर जाता है ट्रिप्टोफान ट्रांस अमीनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वो बनाता है इंडोल 3 पायरविक एसिड। देन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है और यहां से जो COOH ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, जबकि डीएमिनेशन रिएक्शन में ये NH2 ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो जो इंडोल 3 पायरविक एसिड है आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन वो बन जाता है इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फाइनली वो हमारे पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाता है। सेकेंड पाथवे है टेम पाथवे। इसके अंदर जो ये
डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती हैं। पहले डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलती है जो बनाती है ट्रिप्टामीन, देन डीएमिनेशन रिएक्शन। डीएमिनेशन रिएक्शन में ये NH2 ग्रुप रिमूव हो जाता है अमीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, और वो हमारे पास बनाता है इंडोल 3 एसिटेल्डिहाइड, जो फिर से फाइनली बना देती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये जो दोनों पाथवे हैं ये टोमेटो में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पाथवे इज IAN पाथवे। इस पाथवे के अंदर जो हमारा इंडोल 3 पाइरुविक एसिड है ये कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिड एल्डोक्सिन, और यहां से ये कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, जो नाइट्रिलेज की प्रेजेंस में लास्ट में बनाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और जो IAN पाथवे है ये मेनली तीन फैमिलीज में देखने को मिलता है, पोएसी, ब्रासिकेसी एंड मुसेकेसी। नेक्स्ट पाथवे इज बैक्टीरियल पाथवे। जो बैक्टीरियल पाथवे है ये हमें सुडोमोनास, सेवेस्टोनाई और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिंस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रिप्टोफान मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम बनाता है इंडोल 3 एसिटामाइड, एंड इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज के एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से बन जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नाउ ऑक्सीन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? जो ऑक्सीन है ये मेनली सिंथेसाइज होता है जो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ज्यादा है, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग सीड्स एंड फ्रूट्स। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन है ये पोलर है। पोलर का मतलब क्या है? एक एंड से दूसरे एंड, इट मीन्स शूट एपेक्स से जो है रूट की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो क्योंकि इसके दो एंड बन जाते हैं इसलिए इसको पोलर ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। जो वेलोसिटी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की वो 5 to 20 centimeters पर आवर है, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। जो ये हमारा बेसिपिटल पोलर ट्रांसपोर्ट है, जो शूट से रूट की तरफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उसको बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये वस्कुलर पैरेन्काइमेटस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिसेंटली ये भी देखा गया है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्लोएम के थ्रू भी होता है, और ये जो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ये एक्रोपिटली होता है, और ये प्लांट के ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो एक सेल से दूसरी सेल होता है, सेल टू सेल। तो इसके लिए उनको एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, देन मिडल लैमिला एंड देन अदर सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब एक सेल से ऑक्सीजन निकलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इफ्लक्स, और जब दूसरी सेल में ऑक्सीजन एंट्री लेता है उसको या तो ऑक्सीजन अपटेक बोल सकते हैं या ऑक्सीजन इनफ्लक्स बोल सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। जो ऑक्सीजन इनफ्लक्स है इसके अंदर या तो पैसिव डिफ्यूजन हो सकता है अगर ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर है, और अगर हमारा ऑक्सीजन आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हेयर। अगर यहां पे जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर है तो वो लिपोफिलिक है नेचर में, और वो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये आयनिक फॉर्म में इसका इफ्लक्स हो रहा है, और ये नेक्स्ट सेल में एंट्री लेगा थ्रू प्रीमियस प्रोटोन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो एक ऑक्सीजन की आयनिक फॉर्म को एंट्री के लिए
दो प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है और ये साथ साथ नेक्स्ट सेल के अंदर एंट्री लेते हैं। यहां पे सेल का जो पीएच है ये 7 है, तो जो ये हमारा ऑक्सीजन है ये आयनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा और ये आयनिक फॉर्म फिर यहां से एग्जिट लेगी जिसको हम ऑक्सीजन ई फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और इस बेसल सेल पे ऑक्सीजन ई फ्लक्स के लिए कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो एनायन ई फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ऑक्सीजन को फिर से यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन वापस से कन्वर्ट हो गया है प्रोटोनेटेड फॉर्म में तो वो एज इट इज एंट्री कर जाएगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो इस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये सिंथेटिक इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, कुछ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स हैं, एनपीए, टीबा, एनओए, क्विस्टिटिन, जेनिस्टिन। जो एनपीए और टीबा हैं ये दोनों ऑक्सीजन एनायन इफ्लक्स को रोकते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ऑक्सीजन है ये किस तरह से काम करता है। जो प्लांट सेल है वो इन तीन पैरामीटर्स के थ्रू एक्सपेंड कर सकती है। सबसे पहले ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ग्रेडियंट बनेगा और इस वाटर ग्रेडियंट के थ्रू जो पानी है सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। वाटर की एंट्री की वजह से बहुत सारा टर्गर प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। और टर्गर प्रेशर क्यों डेवलप होगा, क्योंकि सेल वॉल भी रिजिड है और उस वजह से वहां पे बायोकेमिकल वॉल लूजनिंग एंजाइम आएंगे और वहां पे लूजनिंग हो जाएगी, उसकी वजह से जो है ग्रोथ सेल के अंदर हो जाएगी। ये पूरा जो पैरामीटर्स हैं इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी आर ग्रोथ रेट, एम इज वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, साई पी इज टर्गर प्रेशर एंड वाई इज यील्ड थ्रेशोल्ड। कैसे हम इस इक्वेशन के थ्रू ये जान सकते हैं कि सेल की ग्रोथ हो सकती है। सेल की ग्रोथ कब होगी, या तो हमारा जो कोफिशियंट है वो बढ़ जाए, टर्गर प्रेशर बढ़ जाए, या जो वाई है ये डिक्रीज हो जाए, तो हमारी सेल की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एक्शन के लिए एक वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, दैट इज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन आयन है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सेल वॉल लूजनिंग और जो ऑक्सीजन है वो इन प्रोटॉन की रेट को इंक्रीज कर देता है बाय टू मैकेनिज्म, एक्टिवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोन एटीपीएज, या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ऊपर एच एटीपीएज ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करवा देगा, या फिर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरे एच एटीपीएज का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। यहां पे ये हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट है एक्टिवेशन हाइपोथेसिस, एक्टिवेशन हाइपोथेसिस। इन एक्टिवेशन हाइपोथेसिस ये देखिए यहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं और जो ऑक्सीजन है ये इस एबीपी वन के साथ बाइंडिंग करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, और इसको साइटोसोल पे यहां पे ले जाया जाता है और यहां जितने भी एटीपीएज लगे हुए हैं सबको ये एक्टिवेट करवा देता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड हाइपोथेसिस, दैट इज सिंथेसिस हाइपोथेसिस, ऑक्सीजन की वजह से सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं और वो सेकेंडरी मैसेंजर न्यूक्लियस के अंदर जाके जो एच एटीपीए जीन है उनको एक्सप्रेस करवाते हैं, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं और इन प्रोटीन्स को जो प्रोटोन एटीपीएज हैं इनको गोल्जाई बॉडी के थ्रू वेसिकल्स की फॉर्म में इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ ये फिर से एक्सपेंसिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम
physiological effects of auxin. First is cell elongation and growth. जो अभी अभी हमने पढ़ा कि सेल की जो इलोंगेशन है वो ऑक्सिन की वजह से होती है. सेकेंड इज फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म. व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. तो जो ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन है वो जो बेंडिंग होती है प्लांट के, चाहे शूट में होती है चाहे रूट में होती है, वो ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करता है. एंड नेक्स्ट इज ग्रेविट्रोपिज्म, मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड ग्रेविटी. तो जो भी प्लांट के अंदर जैसे शूट है रूट है ग्रेविटी के लिए जो रिस्पॉन्सेज देते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस. व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? ग्रोथ ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ एनी प्लांट इज एपिकल डोमिनेंस. अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो वो लेटरल ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है और एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज ऑक्सिन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल एंड एडवेंटिशियस रूट्स. जो लेटरल रूट्स हैं ये पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं. ऑक्सिन जो है वो पेरिसाइकिल की सेल डिवीजन को इंक्रीज कर देता है और ड्यू टू देयर इंक्रीज जो लेटरल रूट्स हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है. और एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं? प्लांट के किसी भी पार्ट से जो रूट्स डेवलप होती हैं अदर देन रेडिकल दे आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स. तो ऑक्सिन जो है इन एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन को इनहेंस करता है. नेक्स्ट इज ऑक्सिन डिलेज लीफ एब्सिशन. जब प्लांट को लीफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सेनेसेंस की वजह से ओल्ड हो चुकी है, तब लीफ गिर जाती है और उस फिनोमिना को हम जानते हैं लीफ एब्सिशन के नाम पे. तो जो ऑक्सिन है, जब तक ऑक्सिन की हाई कंसेंट्रेशन उस लीफ के अंदर बनी रहेगी वो इस एब्सिशन लेयर को नहीं बनने देगा. एब्सिशन लेयर क्या है? कुछ सेल्स की लेयर बनती है जो कि वीक होती हैं, क्योंकि उनका जो सब्सटेंसेस हैं जो मटेरियल्स हैं वो सब यूटिलाइज कर लिए जाते हैं. और क्योंकि ये एब्सिशन लेयर जो है वीक होती है पीटियोल के पास से, यहीं से जो लीफ है वो गिर जाती है. तो अगर ऑक्सिन की हाई कंसेंट्रेशन हम वहां पे बनाए रखेंगे तो लीव एब्सिशन जो है वो डिले हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट रेगुलेट फ्लोरल बड डेवलपमेंट. जो अरेबिडोप्सिस प्लांट है उसके अंदर जब ऑक्सिन को हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो वहां पे जो फ्लोरल बड फॉर्मेशन है वो नॉर्मली होता है. अगर ऑक्सिन की कमी है तो जो फ्लोरल बड हैं वो भी नॉर्मली फॉर्म नहीं होंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सिन इंड्यूस वस्कुलर डिफरेंशिएशन. अगर हमारे पास रैंडम मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और हम वहां पे हाई कंसेंट्रेशन दे दें ऑक्सिन की, तो वहां पे जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. जाइलम और फ्लोएम टिश्यू अलग अलग बन जाएंगे. लेकिन अगर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन लो है तो सिर्फ फ्लोएम टिश्यू का डेवलपमेंट होगा. नेक्स्ट इज ऑक्सिन प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट. स्ट्रॉबेरी के अंदर ये देखा गया है कि अगर ऑक्सिन को वहां पे सप्लाई किया जाए तो जो फ्रूट डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छे से होती है, एक्नेस को रिमूव करने के बावजूद भी. नेक्स्ट इज ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो डिफरेंशिएट रूट एंड शूट फॉर्मेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर. अगर हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन का रेशियो है तो वो शूट फॉर्मेशन को इनहेंस करेगा. एंड अगर लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन का रेशियो है तो वो रूट फॉर्मेशन को इनहेंस करेगा. ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो अगर हम विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो भी हमारे पास प्लांट प्रेजेंट हैं उनपे ऑक्सिन डालते हैं तो देर आर हाई चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. दीज आर द रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच.